द काश्मीर फाइल्स, मिशन काश्मीर असे काश्मीरवर आधारित अनेक सिनेमे आपण पाहिलेत, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की त्याच काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून सिनेमागृह बंद होतं, पण 30 वर्षांनंतर तो दिवस आज आलाय. काश्मीरमधली सिनेमागृह अखेर मनोरंजनासाठी सज्ज झाली आहेत. भला मोठा पडदा, अत्यंत आरामदायी खुर्च्या आणि पॉपकॉर्न पाहत सिनेमा पाहण्याचा आनंद, तुमच्या आमच्यासाठी प्रत्येक सुट्टीचा हक्काचा हा आनंद काश्मीरवासियांच्या आयुष्यामध्ये मात्र परत येण्यासाठी तब्बल 30 वर्ष वाट पाहावी लागली. बहुत अच्छा लगा है और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने मूवी थिएटर खुल रहे हैं. It's very nice. Shows a certain amount of progress. Very good. So let us hope for the best and let's hope that the people of Srinagar enjoy coming to these movies. 1990च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यामध्ये प्रचंड हिंसाचार उसळला. अवघ्या काश्मीर खोऱ्याचं चित्र बदलून टाकणाऱ्या त्या हिंसाचारात काही थिएटर्स जळून खाक झाली तर काही कायमची बंद झाली. काश्मीर मधल्या सिनेप्रेमींना मग सिनेमा पाहण्यासाठी एकतर जम्मू मध्ये जावं लागायचं किंवा मग देशातल्या इतर शहरांमध्ये. कलम 370 हटवलं गेलं आणि आता काश्मीर मध्ये अनेक बदल होत आहेत. ये प्रोजेक्ट ऍक्च्युअल में बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और 3 साल पहले का प्रोजेक्ट है. उस टाइम पे हम धर साहब के साथ जो है हमने इसका मल्टीप्लेक्स का एक ड्रीम सोचा था इन्होंने, तो हमने उस ड्रीम को जो है डिज़ाइन के तौर पे अच्छा एक मल्टीप्लेक्स लेवल पे हमने इसको डिज़ाइन करने की काफ़ी अच्छी कोशिश करी. ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा और कश्मीर में एक हमें बहुत बड़ा चेंज लाना है फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो, तो ये प्रोजेक्ट को हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन पे. देखिए, दो तरह की बातें हैं, एक तो थिएटर खुलेगा, एक सिनेमा खुलेगा, दूसरा यह है कि मल्टीप्लेक्स खुलेगा जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुल्क का तीसरा चौथा ही ब्रांच है जिस लेवल का ये ब्रांच खुलने जा रहा है. और इसका इंटेंशन ये है कि कश्मीर घाटी में गुज़श्ता 32 वर्षों के दौरान जो थिएटर सिनेमा क्लोज कर दिए गए हैं उसकी वापसी इस मिनी थिएटर से शुरुआत की जा सकती है. और जो दावा किया जाता है कि यहाँ न सिर्फ आपको मूवी बल्कि एंटरटेनमेंट का जरिया होगा. जम्मू काश्मीर साठी एक स्वतंत्र मनोरंजन धोरणच तयार करण्यात आले. खासगी सिनेमागृहांसह सरकारही नवे मल्टीप्लेक्स तयार करेल. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी रविवारी पुलवामा आणि शोपियान मधल्या सिनेमागृहांचं उद्घाटन केलंय. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही थिएटर सुरू होत आहेत. सिनेमागृहांमुळे काश्मीर मध्ये मनोरंजनाचं नवं पर्व सुरू होईल. हे नवं पर्व काश्मीर मधल्या शांतता आणि स्थिरतेसाठी हातभार लावणारं ठरावं हीच इच्छा. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.